नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने ज्योतिष संबंधी विभिन्न विषय लेकर आता रहता हूँ। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर क्या फल लेकर आ रहा है उसे लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक जान भी चुके होंगे कि राहु और केतु का गोचर परिवर्तन 23 सितंबर 2020 को हो रहा है और मार्च 2022 तक राहु और केतु वृष राशि तथा वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु होंगे वृष राशि में, केतु होंगे वृश्चिक राशि में, क्योंकि ये वक्र गति से चलते हैं इसलिए ये पिछली राशि में जाते हैं। तो 23 सितंबर 2020 को राहु देव आएंगे मिथुन राशि से वृष राशि में और केतु देव आएंगे धनु राशि से वृश्चिक राशि में। अब राहु केतु का जो फलादेश है बड़ा कंट्रोवर्सियल फलादेश होता है, इसका फलादेश करना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं और अच्छे अच्छों में मैं भी शामिल हूं कि राहु केतु का फलादेश करना पकड़ना बहुत कठिन होता है। तो राहु केतु के बारे में अभी जो सुनने को आ रहा है कि ये दोनों अपने उच्च राशि में आए हैं, यानी राहु वृष में उच्च का होता है और केतु वृश्चिक में उच्च का होता है। अब कई लोग धनु और मिथुन में उच्च का समझते हैं, यानी मिथुन में राहु को उच्च का समझते हैं और धनु में केतु को उच्च का समझते हैं, तो दोनों ही बातें सही है। क्यों सही है, मैं वो बिंदु आपको बताने जा रहा हूं जिस बिंदु पे आजकल चर्चा थम सी गई है। मिथुन और वृष दोनों को राहु की उच्च राशि क्यों कहा जाता है? मिथुन के साथ राहु का संबंध बुध की वजह से है, क्योंकि कन्या राशि को राहु की राशि कहा जाता है और बुध के साथ राहु का विशेष संबंध है। राहु उदंडता का कारक है, बुध बचपने का कारक है और बचपन में देखिए बच्चों के क्रियाकलाप उदंडता उनमें होती है। वृष राशि में क्यों उच्च का है? वृष का लॉर्ड जो है शुक्र है, वृष राशि का शुक्र के साथ राहु का संबंध भी विशेष है। शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन के बगैर फिल्मी दुनिया खड़ी ही नहीं होती। ये जो 70 mm पे आप फिल्में देखते हैं या जो अभिनय देखते हैं, इंद्रधनुष की तरह जो कभी पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो कहानियां वो किस्से आप जो देखते हैं, ये शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से ही है। इसलिए मिथुन और वृष दोनों ही राहु की उच्च राशियां हैं। केतु का भी बता दूं तो केतु का बृहस्पति के साथ अध्यात्म का और मोक्ष से संबंधी एक रिलेशन बनता है। बृहस्पति के साथ केतु का संबंध सन्यास की पराकाष्ठा है, यानी सन्यासी मन की पराकाष्ठा है और मंगल कुजवत केतु यानी वृश्चिक का लॉर्ड जो मंगल होता है और केतु देव मंगल के जैसा फल करते हैं। घाव हुआ यानी कहीं कट लगा, खून निकला, तो वो मंगल है और वही कट लगने के बाद अगर पीप जम गई, घाव बिगड़ गया, तो वो केतु है। इसलिए केतु उच्च का कहलाता है वृश्चिक में। अब उच्च कहां तक होता है? मिथुन राशि में संपूर्ण उच्च नहीं होता, ना ही वृष राशि में राहु संपूर्ण उच्च होता है, यानी 30 डिग्री तक नहीं होता। मिथुन राशि की 15 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक राहु उच्च का होता है और वृष राशि की 30 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक राहु उच्च का होता है। अब चूंकि राहु उल्टा चलता है, केतु भी उल्टा चलता है, इसलिए डिग्री भी यहां आपको उल्टी ही देखनी है। उसी तरह केतु भी धनु राशि में 15 डिग्री से 0 डिग्री तक उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में 30 डिग्री से 15 डिग्री तक उच्च का होता है। और राहु केतु छाया ग्रह हैं ही, इनका फल शनि और मंगल के बिना आपको मिलता नहीं है। इस पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, फिर से बना दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं कि राहु वृष राशि में क्या फल देना चाहते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में राहु देव का गोचर प्रत्येक क्षेत्र में हानि, अत्यधिक व्यय, अग्नि से डर तथा दुर्घटना से भय का योग बनाता है। अवैध संबंधों में भी आप लिप्त हो सकते हैं, इस मामले में भी आपको थोड़ा सावधान रहना जरूरी है।
तो द्वादश भाव में राहु देव का ये जनरल फल है। मैं नक्षत्रों के माध्यम से आपके सामने रियल पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वृष राशि में राहु देव सबसे पहले होंगे मृगशिरा नक्षत्र में, फिर वो जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, फिर कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी उल्टा चलते हैं। तो मृगशिरा रोहिणी कृतिका की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत में ही राहु का गोचर द्वादश भाव में अवैध संबंधों में लिप्त होने का योग बनाता है आपके लिए। विदेशों से धन आय का योग बनाता है। मामला मुकदमा में उलझ जाने का योग भी बन रहा है। अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, शत्रुओं से सावधान रहें। नवंबर दिसंबर के आसपास अत्यधिक व्यय, मामला मुकदमा में उलझने का डर और स्वास्थ्य बिगड़ने का योग आपका बन रहा है शुरू में ही। अग्नि से सावधान इस वक्त विशेष करके आपने रहना है, यानी किसी भी प्रकार की सडन दुर्घटना से आपने थोड़ा बचना है, क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग भी इसी वक्त बनेगा द्वादश भाव में ही। 13 फरवरी 2021 से 19 सितंबर 2021 तक चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे राहु देव। धन आय इस वक्त अच्छी होगी आपको, विदेशों से धन आय का योग बनेगा और काफी उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ सकता है इस वक्त। लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा। 19 सितंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान राहु देव परिवार में तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, प्रेम संबंधों को लेकर चिंता, अवैध संबंधों में फंसने का डर, स्वास्थ्य बिगड़ने का डर, दांपत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का सामना करने का योग, नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध, नवंबर दिसंबर के आसपास स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपने रखना है। एक्सीडेंट होने जैसी स्थिति इसी वक्त आपको बन सकती है। उसके बाद उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश यात्रा, पद प्राप्ति मार्च 2022 तक, यानी फरवरी मार्च के दौरान पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति, राजनीतिक क्षेत्रों में पद प्राप्ति का योग आपको बन रहा है। आइए देखते हैं केतु का फल क्या मिलने वाला है आपको। केतु देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में केतु देव का विचरण आर्थिक लाभ व सुख वृद्धि का योग बनाता है, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रह जो हैं, क्रूर ग्रह जो हैं, यानी पाप ग्रह और क्रूर ग्रह दोनों ही शुभ फल करते हैं, तो केतु का जनरल तौर पे फल यहां पर अच्छा है। केतु देव वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, अनुराधा नक्षत्र में होंगे और आखिर में विशाखा नक्षत्र में होंगे, यानी विशाखा नक्षत्र का एक चरण केतु को मिलेगा। तो जनरल फल तो अच्छा बता दिया मैंने, नक्षत्रों के माध्यम से देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 27 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, 27 नवंबर तक मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य लाभ का योग बन रहा है, प्रेम संबंधों में सफलता का योग बन रहा है, शिक्षा में अग्रगति और संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग बन रहा है। 27 नवंबर से 17 दिसंबर तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दांपत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन जैसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। 17 दिसंबर से 4 जनवरी तक अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध, दांपत्य जीवन में रीयूनियन का योग, यानी झगड़ा हो चुका है तो वो फिर मेल मिलाप हो जाएगा आपका। व्यवसाय में अग्रगति, परिवार में आनंद। 5 जनवरी से 11 मार्च के दौरान कोई रोग आपका बिगड़ सकता है, कोई रोग आपका लंबा खींच सकता है, कामों में बाधा, डिले, सामान चोरी हो जाने का योग, पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आने का योग बन रहा है। 11 मार्च से 1 अप्रैल तक उच्च शिक्षा में सफलता, लेकिन उच्च शिक्षा में काफी कंपटीशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, स्पिरिचुअल गेन होगा आपको, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी, पराशक्तियों का अनुभव आप कर पाएंगे। 1 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, कर्म व्यस्तता का योग बना हुआ है।
17 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक धन प्राप्ति, लोन की प्राप्ति, संतान संबंधी खुशखबरी, मित्रों की सहायता, नौकरी मिलने का योग, जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने का योग बन रहा है। 1 मई से 15 फरवरी 2022 तक का समय जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। भाग्यहीनता अनुभव करेंगे, रोग लंबा खींच सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी बढ़ सकती है, कामों में डिले, बाधा से आपका ये साल 15 फरवरी 2022 तक, 1 मई से 15 फरवरी 2022 तक का समय आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। देख लीजिए, जनरल तौर पे केतु धन लाभ का योग बना रहा है, लेकिन नक्षत्रों के माध्यम से जैसे ही मैं इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो बाधा नजर आ रही है सामने। 15 फरवरी से मार्च 2022 तक, यानी केतु के वृश्चिक राशि में रहने तक, नए योगा योग, दाम्पत्य सुख, व्यवसाय में अग्रगति का योग बनेगा, यानी एकदम आखिर में फिर आपके लिए रास्ता बन जाएगा। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के गोचर का फल मैंने आपको बताया। दोनों ही ग्रहों का फल अलग अलग बताया मैंने, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो राहु का अलग और केतु का अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपके मतलब की बात मैं बताने जा रहा हूं, जो यूट्यूब पे आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलेगी। मेरी सुनने के बाद कोई बोलने लगे तो अलग बात है। आपके मन में यह विचार जरूर आता है या आता होगा कि राहु का फल देखें या केतु का देखें, तो इसका सिंपल सा उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली को देखिए, आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा चल रही है तो राहु के फल को आप ज्यादा देखें। अगर जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही है या केतु की अंतरदशा चल रही है तो गोचर में मिथुन राशि के जातक केतु के फल को ज्यादा देखें। हां, यहां यह बात भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो मिथुन राशि के जातकों को गोचर के राहु का फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा कम तीव्रता से मिलेगा। ज्यादा तीव्रता से उसी का फल मिलेगा जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है। अब अगला प्रश्न आप ये भी पूछ सकते हैं, राहु की महादशा भी ना हो, केतु की महादशा भी ना हो, अंतरदशा भी ना हो दोनों की, तो क्या राहु केतु के बुरे फल नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं मिलेंगे। अच्छे और बुरे फल दोनों जितनी तीव्रता से दशा महादशा चल रही होगी तो मिलेंगे। अंडरस्टैंड, बहुत क्लियरली बता दिया मैंने आपको। न्यू लर्नर के लिए मेरी ये 4 लाइनें बहुत काम की होंगी। जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो वाकई में फलादेश करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार टिप ये रहने वाली है। राहु चूंकि द्वादश में होगा तो परेशानी वाला तो होगा ही। राहु से अगर परेशानी आपको ज्यादा हो रही है तो राहु के उपाय का वीडियो मैंने अभी अभी डाला है, पिछले 5-7 दिन पहले, मेरे चैनल पे है। आप वहां जाकर राहु के उपाय वाला वीडियो देख सकते हैं, वही उपाय आप कीजिए। तो इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।